तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। एक महिला और युवक को पंचायत के फरमान के बाद गांव में सरेआम काली पोत कर जलील किया गया। जूते की माला पहनाई गई, मारपीट हुई और तमाशा बना दिया गया। दनियालपुर गांव में हुई इस घटना में महिला और युवक पर अवैध संबंधों का आरोप था। मामला पंचायत तक पहुंचा और फिर पंचायत ने कानून को ताक पर रखकर खुद सजा सुना दी। महिला की शादी दनियालपुर में हुई थी। बताया जाता है कि वो इस युवक के प्यार में घर छोड़कर चली गई थी। बाद में दोनों को करनाल में देखा गया, जिसके बाद उन्हें गांव लाया गया और खुद ही सजा भी मुकर्रर कर दी गई। पीड़ित युवक के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। सरपंच की बैठक में, एक्स सरपंच की बैठक में बुलाए गए। बैठक में हम तो बैठा दिए बैठक में, ये दूसरे रास्ते से बच्चे को लेकर आए, उसको लड़की को लेकर आए और घर पे मारा पीटा। उसके बाद इन्होंने जूतों का हार डाल के काला मुंह करके गांव के चार्ज पे रहा। उसकी हमें वीडियो भी बनाई हुई है, मारते हुए सारा गांव के चार्ज पे रगमाया जी। एक ये वीडियो वाला मामला हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, इस पे तुरंत जो सुनील नाम का लड़का है उसे एक एप्लीकेशन लेके हमने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो वीडियो से जैसा सामने आया और जैसा इसकी कंप्लेंट से सामने आया है, तो इसमें कुछ लोग उसके साथ अपना जो जाति करते नज़र आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें नियमित धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा। पंचायत की मनमानी का ये पहला मामला नहीं, देश में तमाम इलाकों से ऐसी खबरें आम हैं, लेकिन अफसोस है कि लगाम फिर भी नहीं लग पा रही। R9 TV के लिए करनाल से कमरजीत सिंह विर्क की रिपोर्ट।